नमस्कार दोस्तों, डीके 3D होम डिज़ाइन में आपका फिर से एक बार स्वागत है। जैसे कि आप जानते ही हैं, मेरा नाम डीके लोनकर है और मैं इस चैनल पर नए नए प्लान्स, नए नए डिज़ाइन और उसी के साथ साथ में होम डिज़ाइन के बारे में लगभग हर तरह की जानकारी लाने की कोशिश करता हूँ। तो आज भी आपके लिए एक छोटा सा और बढ़िया सा प्लान लाया हूँ, जिसका डिटेल मैं आपको समझाऊँगा। प्लान की तरफ बढ़ने से पहले, स्क्रीन पर जो दिख रहे हैं हमारे ऑफिस के नंबर है, अगर आपको प्लान की या डिज़ाइन की ज़रूरत है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं या हम इन नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं और हमारी क्या फ़ीस होती है, क्या प्रोसेस होती है, उसकी डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में जो बेल का आइकन है वह भी दबाइए, ताकि हम जो भी नया वीडियो अपलोड करते हैं या जो भी नया वीडियो लाते हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और वह जो वीडियो है आपसे मिस ना हो। तो देखिए, आज का प्लॉट जो है 32 फीट बाय 36 फीट 9 इंच का है, तो हम इसे 32 फीट बाय 36 फीट समझ लेते हैं। और जिसमें देखेंगे तो साउथ फेस में एक मेन रोड है, मतलब दक्षिण दिशा में हमारा मेन रोड है और यहाँ पे भी एक रोड है जो वेस्ट फेस में है। तो ये जो वेस्ट फेस वाला रोड है, ये आपके प्लॉट में ना भी रहा तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, खाली एक ही रोड रहा ये साउथ फेस में, तो ये प्लान जो है आपके प्लॉट पर बैठ सकता है। यहाँ पे आते हैं, ये मेन रोड है हमारा, यहाँ से एंट्री करते हैं तो यहाँ पे हमें पार्किंग के लिए एरिया मिलता है। तो 9 फीट 5 इंच है यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद में लगभग 10 फीट 1 इंच है यहाँ तक, उसके बाद में ये 3 फीट है, मतलब लगभग 13 फीट का जो है हमें पार्किंग के लिए एरिया मिलता है, 13 फीट बाय 9 फीट 5 इंच का। तो यहाँ पे जो है हमारी कार जो है आराम से पार्क हो सकती है, उसके बाजू में बाइक भी पार्क हो सकती है। अगर बाइक आपको और भी दूसरी जगह चाहिए बाइक पार्क करने के लिए, तो यहाँ पे शेयर केस के सामने भी यहाँ पे जगह है, तो यहाँ से भी हम बाइक वगैरह पार्क कर सकते हैं। उसके बाद में ये स्टेप चढ़ के इस वरांडे पर पहुंच जाएंगे। इससे पहले यहाँ पे हमारी स्टेयर के समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पे जो है हमारी स्टेयर स्टार्ट होती है, ये सीढ़ी जो है यहाँ से स्टार्ट होती है और देखिए यहाँ पे एक लैंडिंग रहेगी, यू टर्न करके हम फर्स्ट फ्लोर पर पहुँच जाएंगे, मतलब इस स्लैब पर पहुँच जाएंगे। यहाँ पर जो पार्किंग के ऊपर जो हमारा स्लैब रहेगा, पोर्च जो पोर्च रहेगा, यहाँ पर हम पहुँच जाएंगे। ठीक है, ये स्टेयर के जो है काफ़ी यूज़फुल रहती है, अगर ऊपर का फ्लोर आपको रेंट के हिसाब से देना है या दूसरी फैमिली को यूज़ करना है, क्योंकि दूसरी फैमिली का जो आना जाना जो रहेगा वो बाहर से ही रहेगा, हमारे नीचे वाली फैमिली को कोई भी डिस्टर्ब नहीं होगा। उसके बाद में स्टेप चढ़ के इस वरांडे पर पहुंच जाएंगे और यहाँ से हम जो एंट्री कर सकते हैं लिविंग रूम में। तो लिविंग रूम का साइज़ जो है मैं 12 फीट बाय 14 फीट का है, लगभग 12 फीट बाय 14 फीट का, और एक बड़ा सा विंडो यहाँ पे दिया है। और ये जो है इस साइड में भी हमने ओपन डक्ट रखा है, ओपन टू स्काई रखा है, तो यहाँ पर भी एक बड़ा सा विंडो हम लगा सकते हैं। तो लिविंग रूम को काफ़ी बढ़िया वेंटिलेशन मिल जाएगा दो विंडोज़ की वजह से। उसके बाद में एंट्री करते हैं किचन में। 10 फीट 8 इंच बाय 10 फीट 2 इंच का एक छोटा सा किचन का साइज़ है, लेकिन प्लॉट के हिसाब से काफ़ी बढ़िया है, लगभग 10 फीट 8 इंच बाय 10 फीट 2 इंच का, मतलब लगभग 10 फीट 8 इंच बाय 10 फीट 2 इंच का। और दो विंडो दिए गए हैं यहाँ पे और यहाँ पे, तो काफ़ी बढ़िया इसको वेंटिलेशन मिल जाएगा। और किचन को देखेंगे तो देखिए, इस साइड में वॉश एरिया दिया गया है टॉयलेट बाथरूम की फ्रंट में, यहाँ पे हमारा टॉयलेट रहेगा और यहाँ पे हमारा बाथरूम रहेगा। टॉयलेट का साइज़ जो है 4 फीट बाय 3 फीट का है और 4 फीट 2 इंच बाय 7 फीट का बाथरूम का साइज़ है। और अगर आप चाहें तो इस साइड में भी वॉश एरिया यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे जो छोड़ा गया है यहाँ पे भी वॉश एरिया यूज़ कर सकते हैं। और बाद में देखेंगे तो देखिए, यहाँ पे एक हमारा बेडरूम है, इसे हम मास्टर बेडरूम भी कर सकते हैं, 11 फीट 10 इंच बाय 10 फीट 11 इंच का, मतलब लगभग 12 फीट बाय 11 फीट का ये मास्टर बेडरूम का साइज़ है, काफ़ी बढ़िया साइज़ है। और बड़ा सा विंडो यहाँ पे दिया है, तो यहाँ से इस बेडरूम को वेंटिलेशन मिल जाएगा। और इसको एक अटैच टॉयलेट बाथरूम दिया गया है लगभग 4 फीट बाय 7 फीट का, तो ये और इसको जो है वेंटिलेशन यहाँ पे दे सकते हैं, ये वेंटिलेशन आप कैंसिल भी कर सकते हैं। और ये जो ओपन टू स्काई रखा गया है इस अटैच टॉयलेट बाथरूम को, और ये जो है अटैच टॉयलेट बाथरूम को वेंटिलेशन के लिए, लेकिन अगर आप चाहे तो ये जो ओपन टू स्काई है ये कैंसिल भी कर सकते हैं, क्योंकि ये अटैच टॉयलेट बाथरूम को वेंटिलेशन जो है इस टॉयलेट के ऊपर से दे सकते हैं, क्योंकि टॉयलेट का स्लैब जो है हम 7 फीट पर डाल देंगे और इसका स्लैब जो है लगभग 11 फीट पर डाल देंगे, तो जो दोनों के बीच में जो गैप रहेगा वहाँ से वेंटिलेशन इस अटैच टॉयलेट बाथरूम को मिल जाएगा। उसके बाद में देखेंगे तो देखिए, एक बेडरूम जो है हम यहाँ पे भी एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे जो है मास्टर बेडरूम दिया गया है, एक 1 बेडरूम है, लेकिन एक और भी बेडरूम हम एडजस्ट कर सकते हैं, तो 2 BHK प्लान हो सकता है। यहाँ पे देखिए, एक बेडरूम हम एडजस्ट कर सकते हैं अगर आप चाहे तो, और इस बेडरूम को विंडो जो है यहाँ पर दे सकते हैं। तो इस टाइप में ये 32 फीट बाय 36 का पूरा प्लॉट का एरिया था, और जिसमें देखेंगे तो 1 BHK प्लान हमने एडजस्ट किया है। आशा करता हूँ कि प्लान जो है आपको डिटेल में समझ में आया और पसंद भी आया है। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपने जो आपका कीमती समय दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।